हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पेरेंटिंग इंडिया। दोस्तों, बहुत से पेरेंट्स की ये प्रॉब्लम होती है कि बच्चा बॉटल से दूध पी ही नहीं रहा, माँ को दूध किसी भी रीज़न से कम आ रहा है, या बच्चा एक साल से बड़ा हो गया है फिर भी वो ब्रेस्ट मिल्क ही पी रहा है। तो क्या करना चाहिए अगर बच्चा बॉटल से दूध ना पिए? तो आज इस वीडियो में हम कुछ ऐसी ही इजी टिप्स बताएंगे जिससे बच्चा बहुत इजीली बॉटल से दूध पीने लगेगा। तो दोस्तों, शुरू करते हैं ये वीडियो। लेकिन उससे पहले, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें, जिससे आप हमारी सभी पेरेंटिंग रिलेटेड वीडियो सबसे पहले देख सकें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं ये वीडियो। हम सभी जानते हैं कि एक साल से छोटे बच्चे के लिए डॉक्टर सिर्फ ब्रेस्ट मिल्क ही प्रेफर करते हैं। अगर किसी भी रीज़न से माँ बच्चे को ब्रेस्ट मिल्क नहीं पिला पाती है तो उसे फॉर्मुला मिल्क ही देना चाहिए एक साल से छोटे बच्चे को। उसके बाद ही काउ मिल्क इंट्रोड्यूस किया जाता है बच्चे को। अब बात करते हैं कि कैसे बच्चे को बॉटल से फीड कराया जाए जबकि बच्चा बॉटल लेता ही नहीं है। तो उसके लिए सबसे पहला पॉइंट है सही समय पे बच्चे को बॉटल इंट्रोड्यूस करना। जब बच्चा 4 से 5 महीने का होता है तो उसी टाइम पर आप बच्चे को 24 घंटे में से एक बार ब्रेस्ट मिल्क ही पंप करके बॉटल से पिलाइए, जिससे बच्चे को बॉटल की आदत पड़ेगी। और शुरू से ही बच्चा जब बॉटल से एक टाइम पिएगा तो आगे चल के जब वो एक साल का होगा तो आप आराम से उसे फॉर्मूला मिल्क या काउ मिल्क दे सकती हैं बॉटल के थ्रू। इसमें अगर आप रात के समय में बॉटल से बच्चे को फीड कराना प्रेफर करेंगी तो ये आपके लिए भी इजी होगा, क्योंकि रात के समय माँ बहुत थक चुकी होती है, बच्चे को फीड कराने में भी उसे बहुत टाइम लगता है। बॉटल से फीड करा के अगर आप पिलाएंगी तो बच्चा बहुत जल्दी ही दूध पी के सो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, किसी भी आदत को बच्चे को अपनाने में कम से कम 15 दिन का समय लगता है। इसलिए आप बच्चे को बॉटल से दूध पिलाती हैं तो 15 दिन तक कम से कम आपको ट्राई करना होगा। अगर आप 15 दिन तक ट्राई करेंगी, दिन में 3-4 बार अगर बच्चे को बॉटल से ही दूध पिलाएंगी तो बच्चा पहले रजिस्ट करेगा और वो बॉटल से दूध नहीं पिएगा। बट आप देखेंगी कुछ बच्चे 6-7 डेज तक पहुंचते बॉटल से दूध पीना शुरू कर देते हैं थोड़ा थोड़ा, लेकिन वो भी पूरी मात्रा में दूध बॉटल से नहीं लेते, कभी ले लेंगे कभी नहीं लेंगे। ऐसे ही करते करते 15वें दिन तक आते हुए वो बॉटल से दूध पीना शुरू कर देते हैं। तो आपको कम से कम 15 दिन तक ट्राई करना है। नेक्स्ट पॉइंट है कि माँ खुद ब्रेस्ट मिल्क अभी तक बच्चे को दे रही थी, अगर माँ खुद बॉटल से दूध पिलाएगी तो बच्चा कभी इस बात पे एग्री नहीं करेगा और वो ब्रेस्ट मिल्क ही पीना चाहेगा। तो उस केस में घर के किसी और मेंबर से आप कहिए कि वो बॉटल से बच्चे को फीड कराए और माँ कहीं बच्चे की नज़रों से दूर हो जाए, तो उस केस में बच्चे को भूख लगेगी तो वो बॉटल से फीड लेने लगेगा। नेक्स्ट पॉइंट है, आपको जो ध्यान रखना है कि बच्चे को आप जो बॉटल दे रही हैं उसके निप्पल का साइज़ ठीक होना चाहिए। निप्पल हर एक एज के बच्चे के लिए अलग अलग आते हैं। 0 से 6 मंथ के लिए अलग निप्पल आते हैं, उसका साइज़ छोटा होता है, और 6 मंथ से बड़े बच्चे के लिए जो साइज़ होता है वो बड़ा होता है। तो इसलिए आप जो बच्चे को निप्पल दे रही हैं तो उसका ध्यान रखिए कि वो सही साइज़ का है या नहीं। नेक्स्ट पॉइंट है, दूध का टेम्परेचर आपको चेक करना होगा। आप बिल्कुल ठंडा दूध बच्चे को देंगी तो वो भी नहीं लेगा वो, और अगर थोड़ा सा भी गर्म होगा ज़्यादा तो वो भी नहीं बच्चा पिएगा। इसलिए टेम्परेचर हल्का सा गुनगुना होना चाहिए, वो बच्चा आराम से पी लेगा। नेक्स्ट है कि बहुत से फॉर्मूला मिल्क का टेस्ट बच्चे को पसंद नहीं आता, इसलिए भी वो नहीं पीते, क्योंकि ब्रेस्ट मिल्क का टेस्ट फॉर्मूला मिल्क के टेस्ट से थोड़ा सा अलग होता है। इसलिए आप 2-3 फॉर्मूला मिल्क अलग अलग ट्राई करके देख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, बच्चे को सोते समय बॉटल से दूध पिलाने का ट्राई करिए। सोते समय बच्चा नींद में बॉटल से भी दूध पी जाता है, इसलिए शुरुआत में आप सोते समय उसे बॉटल से दूध पिलाने का ट्राई करिए। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू दोस्तों।